राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है सर? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी 23 मार्च को एक रैली को संबोधित करेंगे पूर्णिया में। वहाँ हम सारे लोग जाएंगे, मेरे प्रभारी गोहिल साहब भी आ रहे हैं, राठौर जी भी आ रहे हैं। अच्छा सर, क्या राहुल गांधी आएंगे तो मंच पर क्या महागठबंधन के नेताओं को भी आप लोगों ने निमंत्रण दिया है? नहीं, इतना जल्दी में हम लोग को लगता है जो अभी तक उन लोग को नहीं दिया गया। यहाँ तो फिर कल भी हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फिर यहाँ के से तुरंत सबको जाना संभव नहीं लग रहा है। जाएंगे तो पूरी तैयारी से जाएंगे। अब जब भी हम लोग का रैली होगा तो केवल मंच पर नहीं साझेदारी होगी, अब जनता की भी साझेदारी होगी। तो क्या सभी सीटों पर सहमति बन चुकी है? मैं समझता हूँ जो बन गई है वो आपको कल, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है दिल्ली से जरूर जानकारी है। यहाँ पर कितने बजे होगा क्या होगा वो आपको मैंने लगता है कल खबर होगी आपको। लेकिन आपस में जो मैंने ये है बंटवारा का जो मामला है कौन क्या लड़ेंगे वो हमको लगता है पहले से फिक्स है। हो सकता है कहीं एक आध सीट पर हो सकता है, लेकिन नंबरिंग में हमको लगता है कहीं प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नंबर तो क्लियर हो गया है सर, तो क्या कल घोषणा होगा? सिर्फ नंबर की घोषणा होगी या फिर सीट की भी आप लोग घोषणा करेंगे? नहीं, हमको लगता है जो पार्टी को हम लोग सीट बता देंगे, आपको नंबर बता देंगे। मतलब सीटों की संख्या अभी तक आप लोगों ने सिर्फ सीटों की संख्या ही बताएंगे, कौन कौन सी सीट? ये अभी तक डाउटफुल है या आपको पूरा बताया जाए, क्योंकि बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, तो इसमें हो सकता है सीट आपको नंबर बता दिया जाए या जो फर्स्ट सेकंड फेज में सीट हो वो भी बता दिया जाए। लेकिन ये हम लोग कल सुबह में तय करके आपको शाम में बताएंगे। मतलब ये माना जाए सर कि फेज वाइज इलेक्शन में फेज वाइज आप लोग घोषणा करेंगे? ऐसा हो सकता है, बहुत बार हुआ है। इसमें क्या होगा अभी संशय की स्थिति है, लेकिन सब बार ऐसा हुआ है। कोई नई पार्टी नहीं है जो हम लोग फेज वाइज करेंगे या एक बार करेंगे, सब बार फेज वाइज चुनाव हुआ है। कुछ लोग एक बार भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ लोग फेज वाइज लेते हैं।